तो जैसा कि देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए जस्ट आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। यस करें, बाकी चीज़ें हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट, टर्म्स और लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट, कंपनी का नेम एंटर करेंगे यहाँ, फिर नेक्स्ट। ये कंप्लीट और कस्टम का जो स्पेस है, कंप्लीट मतलब एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर हम कस्टम करते हैं तो कस्टम में जाके हम सॉफ्टवेयर का पाथ चेंज कर सकते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर को किसी और लोकेशन पर कहाँ इंस्टॉल करना है। तो अभी के लिए हम सॉफ्टवेयर को डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर ही इंस्टॉल करेंगे। तो हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन चूज़ करते हैं, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल। जैसे हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये डेस्कटॉप पे हमारे सॉफ्टवेयर का आइकन आ चुका है। सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। क्लिक ऑन फिनिश टू क्लोज सेटअप। अभी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। डबल क्लिक करके भी हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रियलसॉफ्ट 10.9 जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड RSS है। RSS ही यूज़र नेम है और RSS ही पासवर्ड भी है। एक बार जब सॉफ्टवेयर आपका लॉगिन हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके से आपको आपका डैशबोर्ड दिखता है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूँ, ये सॉफ्टवेयर आपका MS Access डेटाबेस बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का डेटाबेस MS Access है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस सॉफ्टवेयर का डेटाबेस है। बाकी और डिटेल्स के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि मशीनें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा डाउनलोड, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर एंड ऑल, बाकी डिटेल्स हम कैसे करेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।